स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग आई होप यू ऑल आर फाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो कि है फ्यूल्स वी यूज तो इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स नॉन रिनेबल फ्यूल्स रिनेबल फ्यूल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल चलिए स्टार्ट करते हैं एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल दिस एनर्जी इज रिलीज वैन द फ्यूल इज़ बर्न दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कम्बशन तो कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं फ्यूल बोलते हैं और जब हम उस फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और उसे हम बोलते हैं कम्बशन है ना दीज फ्यूल प्रोवाइड पावर टू मूव ऑटोमोबाइल्स एरोप्लेन्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सच एज़ पंप एंड ट्रैक्टर्स ट्रक्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग टैंक ट्रेन एंड शेप्स तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो सारे रन करने में फ्यूल हमारी हेल्प करता है लाइक like, एरोप्लेन है शिप है ट्रेन है है ना तो इन सबको रन करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है देयर आर टू काइंड ऑफ फ्यूल गिवेन बिलो नॉन रेनेबल एंड रेनेबल तो वेरी फर्स्ट इज नॉन रेनेबल फ्यूल्स

Uh, जो है हम उसे रीनबल नहीं कर सकते ठीक है तो होता क्या है कि जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं फ्यूल uh, जैसे कि पेट्रोल है डीजल है कोल है ये मिलियंस ईयर एगो प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडीज से क्या हुआ था कि जब ये मर जाते हैं कोई भी प्लांट और एनिमल्स तो वो अर्थ के अंदर दब जाते हैं उनके ऊपर काफ़ी स़ादा मिट्टी वगैरह आ जाती है इस तरीके से है ना और फिर क्या होता है यहाँ गैसेस होती है हीट होती है प्रेशर होता है तो हीट और प्रेशर के कारण वो जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उस फ्यूल को यानी कि मिलियन ऑफ ईयर एगो जो पहले प्लांट और एनिमल थे उनके फ्यूल को हम आज यूज कर रहे हैं तो कुछ है लाइक कोल इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड इट इज फाउंड व्हेन ह्यूज प्लांट गॉड बिड अंडर द अर्थ एंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक एंड सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम द अर्थ थ्रो माइनिंग तो कोल्ड को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है और ये प्लांट के बड़े डोने से हमें मिलता है जो प्लांट थे उनसे मिला है और ये कैसे निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू यानी कि खुदाई की जाती है खाने खोदी जाती हैं और उससे हमें ये कोयला मिलता है फॉलोइंग आर द यूजेज़ ऑफ कोल क्या यूजेज़ हैं इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन अंगीठी तंदूर चूल्हा तो चूल्हे में अंगीठी में तंदूर में यूज होता है कोल का इट इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो उनको चलाने के लिए कोल का यूज किया जाता है मैनी केमिकल्स लाइक मीथेन गैस तार एटसेट्रा आर ऑपरेट फ्रॉम कोल विच आर यूज टू मेक ड्रग डाइज पेंट एटसेट्रा तो कोल से मीथेन गैस तार वगैरह मिलते हैं जिनका यूज़ डाई में ड्रग बनाने में पेंट बनाने में किया जाता है नेक्स्ट इज पेट्रोलियम इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमरस यूज इट वॉज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ मराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स विच वर बरिड मिलियंस ऑफ ईयर एगो तो पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है और ये कैसे मिला हमें जो मराइन यानी कि जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनके दब जाने से ही हमें पेट्रोल मिला है इट इज़ कलेक्टेड इन लार्ज पूल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स एंड इज टेकन आउट बाई ड्रिलिंग थ्रो द लेयर्स ऑफ रॉक और ये जो है इनके लार्ज पूल्स होते हैं और वेल well होते हैं कुएँ होते हैं तेल के बहुत ज़्यादा माइनिंग करके खुदाई की जाती है ड्रिलिंग की जाती है तब जाके ये हमें मिलता है दिस पुल्स ऑफ ऑइल आर वेरी डीप इन द ग्राउंड और इन द सी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज एज फ्यूल सो इट इज़ प्रोसेस्ड इन रिफाइनरीज टू प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल सच एज़ पेट्रोल डीजल कैरोसिन एट्सट्रा तो ये जो लिक्विड हमें मिलता है इसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ फ्यूल इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है और फिर वहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में चेंज हो जाता है लाइक पेट्रोल डीजल कैरोसिन Apart from the ordinary petrol, unleaded petrol is also available. It is, does not contain poisonous lead. Since the year 2000 only, unleaded petrol is available in India. Following are the use of petroleum. Petroleum ke uses kya petrol is generally used as a fuel in car, two wheelers and three-wheelers. So car or wheelers may petrol use. Kiya jata hai, डीजल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन हैवी व्हीकल सचैस ट्रक ट्रैक्टर शिप बस रेलवे इंजन एंड मोटो मोटरबोट डीजल इज ऑल्सो यूज टू पावर वाटर लिफ्टिंग पम्प एंड जनरेटर तो डीजल का यूज़ हैवी व्हीकल्स में किया जाता है मोटर वाटर मोटर्स में जनरेटर्स में इन सब में डीजल का यूज किया जाता है कैरोसिन इज यूज इन एरोप्लेन हेलीकॉप्टर एट्सेट्रा एंड इन हाउसेज फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग कैरोसिन का यूज़ एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स में किया जाता है और घर में लाइट वाइट जलाने के लिए लैंप्स में जो है कैरोसिन का यूज किया जाता है स्टोव में कैरोसिन का यूज किया जाता है नेचुरल गैस इट इज ऑफन पाउंड ट्रैप्ड अलोंग विद ऑयल अंडर द रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज़ ऑल्सो ऑप्टेन बाई ड्रिलिंग ऑयल वेल्स दिस फ्यूल कॉज लेस पॉल्यूशन दैन अदर फॉसिल फ्यूल तो फॉलोइंग आ द यूज ऑफ नेचुरल गैस नेचुरल गैस जो है जो जो भी और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो काफ़ी पॉल्यूशन करते हैं और जो नेचुरल गैस होती है वो इसके कंपैरिजन में तो नेचुरल गैस के क्या क्या यूज़ेस हैं इट इज़ यूज एज फ्यूल इन व्हीकल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सी एन के व्हीकल्स होते हैं Next is it is also used as fuel to cook food in the form of liquefied petroleum gas yani ki LPG which is used in cylinder cooking is So, this is liquefied petroleum gas. Hoti hai. Burning of fossil fuel or non-renewable fuels release many harmful gases which cause a lot of pollution. Therefore, we need to be very careful about how we use these fuels. So, burning of fossil fuel, the fossil fuel burn, Uh, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन होता है तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा uh, जो है केयरफुल रहना पड़ता है ना यूज़ करने के लिए नेक्स्ट इज रिन्यूएबल फ्यूल दोज फ्यूल विच आर बीइंग कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड बाय मैन बट आर रिन्यूड बाय नेचर कॉन्स्टेंटली आर कॉल्ड दी रिन्यूएबल फ्यूज सो जो फ्यूल uh, रिन्यूड हो जाते हैं अल्टीमेटली बाय दी नेचर उसको हम रिन्यूएबल फ्यूल बोलते हैं दिस फ्यूल आर आल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेटिव फ्यूल इन्हें अल्टरनेटिव फ्यूल भी बोला जाता है दिस फ्यूल कॉज लेस पॉल्यूशन देन फॉसिल फ्यूल सम इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल फ्यूल आर बायोडीजल बायो अल्कोहल हाइड्रोजन सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये कुछ हैं जो कि रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं Biodiesel and bioalcohol are obtained from plant and animal matter. Biogas is obtained from cow dung. So, biodiesel or bioalcohol plants and animal matter. Biogas cow dung, yani ki gai ke gober se milte hai. Electricity is used to power the batteries that run the motor in electricity vehicle. The Metro train network use electricity as fuel. सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो यूज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डोमेस्टिक पर्पज सच एज हीटिंग एंड लाइटिंग तो सोलर एनर्जी का भी यूज़ किया जाता है आ uh, सो so, इसमें सोलर पैनल्स आते हैं तो सोलर की uh, जो सन लाइट है उसे ट्रैप करके सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है conservation of fuels so conservation the rate of consumption of fossil fuel is so high that they are likely to be get exhausted soon our countries spend huge amount of money to buy fuel because they are become costlier day by day a rise in the cost of these fuel affect the other commodities like food grain and vegetables so it is very important to save our और कंजर्व फ्यूल तो जो फ्यूल है वो काफ़ी खर्च होता है और जैसे कि आपने देखा डीजल पेट्रोल वगैरह ये नॉन रेनेबल है तो ये हमें जल्दी मिलेगा नहीं अगर ख़त्म हो जाएगा तो तो इसीलिए हमें जो फ्यूल है वो काफ़ी बचत के साथ यूज़ करना चाहिए और हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इसमें वी कैन कंजर्व फ्यूल बाय द फॉलोइंग स्टेप तो क्या स्टेप्स है वी शुड स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल वैन वी गेट स्टक इन ट्रैफिक अगर ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन क्या करें ऑफ कर दें वी शुड टर्न ऑफ द गैस स्टोव वेर नॉट यूजिंग इट गैस स्टोव को बंद कर दें अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे तो अननेसेसरी नहीं चलना चाहिए वी शुड कीप आर व्हीकल इन गुड कंडीशन थ्रू रेगुलर सर्विस टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ फ्यूल और जो भी व्हीकल है आपका उसकी कंडीशन गुड होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा डीजल या ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम ना करें We वी शूड यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट as often as possible. Public transport such as buses and train carry many people at the same time, thus saving fuel. और जितनी कोशिश कर पाए उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसमें काफ़ी लोग जो हैं ट्रैवल कर सकते हैं वी शुड यूज़ रिनेबल fuels. और हमें क्या यूज़ करना चाहिए रिनेबल fuels ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में थैंक यू सो मच